800 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपके मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट 800 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल का फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए, 5 सेकंड में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 टू 12 IIT JEE नीट CBSE और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 800 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और सभी डाउट्स आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये पेपर है इंग्लिश का, क्लास 9th का है और 3.5 घंटे का है, 48 नंबर का ये पेपर आता है और सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है इसके अंदर। और ये जो पेपर है आपके टोटल 28 क्वेश्चन है, किसी में 31 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 28 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन टोटल जो है आपके 48 नंबर का आ रहा है। ये पाली जिले में हुआ था, पाली जिले में सुदत तहसील में हुआ था ये पेपर। तो देखते हैं पेपर में क्या क्वेश्चन थे आपके। सबसे तो पहला है सेक्शन ए, जिसमें आपके आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ जो है वो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें 5 क्वेश्चन है एक एक नंबर। पहला पैराग्राफ है ये वाला, देख सकते हो अच्छे से, इसका लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से आपको PDF में मिल जाएगा। अब आते हैं हमारा सेकंड। सेकंड इसमें आपके 3 नंबर का है लेटर, लेटर लिखना है आपको 3 नंबर का। इसमें लेटर दो दो लेटर दे रखे हैं, एक तो पेरेंट को इनवाइट करने के लिए है और दूसरा जो स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको अर्जेंट वर्क है घर पर, उसके लिए छुट्टी चाहिए आपको, तो आपको लिखना है। तो दोनों में से कोई भी एक आप लिख सकते हो। ऊपर वाला अगर आप लिखते हो ना, तो उसमें आपको कुछ लाइनों का भी यूज करना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्ड क्वेश्चन है ये वाला। इसमें आपको लिखना है स्पीच लिखनी है, स्पीच लिखनी है या फिर डिबेट। स्पीच तो है आपके द विलेज लाइफ पर और डिबेट है आपके यूज द मिस यूज ऑफ मोबाइल, मोबाइल का जो मिस यूज हो रहा है उसके बारे में आपको डिबेट करनी है। अगला क्वेश्चन जो है आपके, यहाँ पर भी दो है, अथवा में या तो ये करो या ये करो। तो सबसे पहले तो है भाई आपके 50 से 70 वर्ड में आपको लिखना है COVID-19 प्रिपेयर डायलॉग लिखना है आपको। तो नीतू क्या बोल रही है, तापसी क्या बोल रही है, नीतू तापसी दो लड़कियों के बीच में आपको कुछ बातें लिखनी है कोविड के लिए। अगला वाला है फिल इन द ब्लैंक करना है, आउटलाइन को जमाना है आपको, ये स्टोरी है, स्टोरी को पूरा करना है भैया आपको, 70 वर्ड तक करना है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके फिल इन द ब्लैंक है वर्ब लिखनी है आपको, राइस का क्या होगा, गो का, लाइव का, डाई का क्या होगा, इनकी वर्ब आपको लिखनी है। फिर है 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में आपके है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्सर्ट, तो उसमें बताना है कि हैज लगेगा या इज या आर लगेगा या वाज वेयर या इज आर क्या लगने वाला है, आधा आधे नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 ए और एन का यूज करके बताना है आपको, ए ही लगेगा, एन तो आएगा नहीं ऊपर, इस बच्चे को आ रहा था लिख दिए। बाकी दे है सम बुक्स या मच बुक्स, सम बुक्स होना चाहिए तो मुझे पता नहीं, ऐसा लगता नहीं है, जस्ता भी नहीं बोलने पर भी वर्ड में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, ABCD है, बताना है कि क्या होगा भाई, 4 होगा, फिट होगा, क्या है बताना। सेक्शन डी है, इसमें आपके है भाई पैसेज, पैसेज को पढ़ना है और इन टोटल 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बड़ा 2 नंबर का, इनका आपका जवाब देना है और ऊपर वाले का पूरा यूज करते हुए। और फिर है आपके क्वेश्चन 19 30 to 40 वर्ड में दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 20 ए और बी दोनों आपके 3 नंबर का एक है, दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना। हाउ आई एक्सप्लेन एनी वन। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें भी आपको 2 में से 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 22 ये सब क्वेश्चन आंसर है, दोनों में से कोई एक करना है। 23वें में भी क्वेश्चन आंसर है, दोनों में से कोई एक करना है। 24वें में है भी आपके व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मैरी जेन टॉमी हैव,
फन वो चैप्टर में से क्वेश्चन लिया हुआ है, फिर द लिटिल गर्ल में से भी क्वेश्चन है, स्नेक एंड द मिरर में से भी क्वेश्चन है, फिर है 4 to 5 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है, एक ही नंबर का ही है। हु वाज द गुड बुक कौन है बताना है, इसरवान द स्टोरी टेलर में से और द एडवेंचर ऑफ टोटो में से बताना है। तो ये क्वेश्चन, ये पेपर आया था पाली जिले में, तो जिसको भी अच्छा लगा प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दे, और इस पेपर का आप यूज कर सकते हैं, बस चैप्टर वही होंगे, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी काफी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।